नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके, देर तक हिलती रही धरती। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदकुश क्षेत्र था। भूकंप के तेज झटकों से थरथराया पाकिस्तान। स्वात घाटी के खैबर पख्तूनवा इलाके में भूकंप से 11 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, लेकिन इसे काफी कम समझा गया है। 2024 के चुनाव में मोदी की जीत होगी। पंजाब पुलिस ने कहा, कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने में लोगों की मदद के लिए उसकी 7 तस्वीरें भी जारी की, इनमें से कुछ उसने पगड़ी नहीं पहनी है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, 100 एफआईआर और 6 लोग गिरफ्तार। आप कार्यालय के बाहर भी निकल रही वैन से हजारों पोस्टर बरामद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन करने वाले व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। गडकरी की सुरक्षा बढ़ाई गई। हेल्थ विधेयक पारित, निजी चिकित्सकों के विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित हुआ। बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि यह विधेयक राइट टू किल है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ब्रितानी राज से वर्ष 1947 में आजादी के दौरान धार्मिक आधार पर हुए विभाजन के बाद बचा भारत हिंदू राष्ट्र ही है। रामनवमी के जुलूस में तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा। भाजपा विधायक ने प्रतिबंधों पर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या राज्य में तालिबान का शासन है। यूपी वॉरियर को 5 विकेट से हराकर दिल्ली कैपिटल महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर के बीच एलिमिनेटर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।